Hello everyone and welcome you all to the official YouTube channel of Advaxis Education. We are back with our next video of the MCQ series जिसमें मैच पीएसटी के MCQs डिस्कस कर रहे हैं. तो without wasting any time, let us begin. So today we will start from the question. So our first question for the day: What was the number of nominated members in the first Himachal Vidhan Sabha constituted in 1951-52? 1951-52 की जो first Vidhan Sabha elections थे, तो जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था उसमें भी हमने डिस्कस करा था कि उसमें 36 मेंबर्स जो हैं दे वर इलेक्टेड. तो इसमें पूछा गया कि नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स कितने थे, तो 36 टोटल ही सीट्स थी उसमें और 36 मेंबर्स वर इलेक्टेड. तो इसके जो चार ऑप्शन हैं ए बी सी डी 1, 2, 3 एंड नन. तो जो ए ऑप्शन है नन, दैट शुड बी राइट आंसर, शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. 1951-52 में जो पहली विधानसभा कॉन्स्टिट्यूट हुई थी उसमें नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स जो थे वो जीरो थे, ऑल वर इलेक्टेड मेंबर्स. ओके, सो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट वाज द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, फिर से इलेक्टेड मेंबर्स पूछे हुए हैं, इन द हिमाचल प्रदेश विधानसभा कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1967 में द एचपी विधानसभा इलेक्शंस एज हेल्ड फॉर द थर्ड टाइम. तो उसमें आपसे पूछा गया कि नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इसमें है कितने थे. तो चार ऑप्शन आपके पास गिवन है, ऑप्शन ए इज 36, ऑप्शन बी इज 41, ऑप्शन सी इज 60. सॉरी, इसमें इलेक्टेड मेंबर्स पूछे हैं. ओके, इलेक्टेड मेंबर्स तो ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 41, ऑप्शन सी 60 एंड ऑप्शन डी 68. तो उसमें पहले मैं बता दूं, जो थर्ड विधानसभा थी हमारी 67 की, उसमें टोटल देयर वर 63 मेंबर्स, जिसमें से जो है तीन जो है नॉमिनेटेड मेंबर्स थे और 60 मेंबर्स जो थे वो इलेक्टेड थे. तो इसका जो ऑप्शन सी होगा दैट इज 60. तो 60 मेंबर्स वर द इलेक्टेड मेंबर्स एंड द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स अगर आपसे पूछ लिया जाए तो जो पंजाब विधानसभा 1966 वहां से आए थे, तो थ्री मेंबर्स वर, दोस वर थ्री मेंबर्स. तो टोटल जो स्ट्रेंथ थी विधानसभा की 1967 में दैट वाज 63. सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 82, टू विच एरिया ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट डिड ठाकुर करम सिंह चेयरमैन ऑफ द एचपी टेरिटोरियल काउंसिल बिलोंग. इनमें से किस जगह से जो है मंडी डिस्ट्रिक्ट में ठाकुर करम सिंह जो कि चेयरमैन थे हिमाचल प्रदेश टेरिटोरियल काउंसिल से, वहां से बिलोंग करते थे. तो ये नाम हमने पहले भी देखा, उस दिन जो पिछली वीडियो थी उसमें भी हमने डिस्कस करा था. ठाकुर करम सिंह जो है चेयरमैन थे हिमाचल प्रदेश टेरिटोरियल काउंसिल के. हिमाचल प्रदेश टेरिटोरियल काउंसिल 1957 में बनाई गई थी, ये हमने बात करी थी, और इट हैज एग्जिस्टेड फ्रॉम 1957 टू 1963. ठीक है, 43 नंबर ऑफ मेंबर्स वर देयर इन दिस हिमाचल प्रदेश टेरिटोरियल काउंसिल, और इसके जो चेयरमैन थे वो ठाकुर करम सिंह थे. ये भी मैंने बताया था कि ही वॉज फ्रॉम मंडी, लेकिन यहां पे पूछा गया है कि मंडी में कहां से. तो ऑप्शन ए सरकाघाट, ऑप्शन बी इज जोगिंदर नगर, ऑप्शन सी इज धर्मपुर एंड ऑप्शन डी इज चच्योट. तो यहां पे जो डी ऑप्शन है चच्योट, दैट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. चच्योट से बिलोंग करते थे ठाकुर करम सिंह जो की चेयरमैन थे हिमाचल प्रदेश टेरिटोरियल काउंसिल के, फर्स्ट एंड ओनली चेयरमैन. ये चीज आप ध्यान रखेंगे, फर्स्ट एंड ओनली चेयरमैन, ही वॉज द फर्स्ट एंड ओनली चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश टेरिटोरियल काउंसिल. सो वी विल मूव ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द हिमाचल प्रदेश बिकम अ पार्ट सी स्टेट. ठीक है, हिमाचल प्रदेश को इनमें से किस साल में पार्ट सी स्टेट का जो है दर्जा दे दिया गया. तो बहुत बार हम इस चीज को पढ़ते हैं क्लास में भी कि हिमाचल प्रदेश जो है इट वॉज एस्टेब्लिश्ड व्हेन, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1948. इसका जो टेरिटोरियल स्टेटस था वो था चीफ कमिश्नर प्रोविंस का, ये आपको पता होगा. ठीक है, तो 1948 में चीफ कमिश्नर प्रोविंस, 1951 तक, 48 से 51 तक हिमाचल प्रदेश रिमेंड अ चीफ कमिश्नर प्रोविंस. 1951 में जाके हिमाचल प्रदेश का जो टेरिटोरियल स्टेटस है दैट हैज बीन चेंज्ड फ्रॉम अ चीफ कमिश्नर प्रोविंस टू अ पार्ट सी स्टेट, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है. तो देखिए इसका क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल गया, जो डी ऑप्शन है दैट इज 1951 में हिमाचल प्रदेश को एक पार्ट सी स्टेट बनाया गया था. उसके बाद बात करें तो 1951 से 56, ठीक है, 1951 से 1956 हिमाचल प्रदेश रिमेंड अ पार्ट सी स्टेट. ये भी पूछा जा सकता है, जैसे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कब बना था, किसी दूसरे क्वेश्चन में आपसे पेपर में पूछ सकते हैं कि 1951 में बना था, कब तक हिमाचल जो है चीफ कमिश्नर, सॉरी दिस पार्ट सी स्टेट था. तो पार्ट सी स्टेट इट एग्जिस्टेड फ्रॉम 1951 टू 1956. तो 48 से 51 चीफ कमिश्नर प्रोविंस, 51 से 56 पार्ट सी स्टेट, और 56 से अगर बात करें तो 1956 से 1971, ठीक है, फॉर दोस 15 लॉन्ग ईयर्स हिमाचल प्रदेश रिमेंड यूनियन टेरिटरी, और 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश को जो है भारत का 18वां राज्य बना दिया गया, स्टेटहुड जो है ग्रांट किया गया 1971 में. तो वो चीज आपको पता है. तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन डी विच इज 1951. चलिए ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं.
नेक्स्ट इज व्हाट वाज द नंबर ऑफ डबल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज ड्यूरिंग द 41 मेंबर हिमाचल प्रदेश टेरिटोरियल काउंसिल इन 1956. तो एसीएफ 2017 में पूछा गया था, 1956 नहीं, इट वाज 1957 एक्चुअली. 1957 में टेरिटोरियल काउंसिल वाज एस्टैब्लिश. तो इसमें जो नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स थे दे वर 9. ठीक है, तो इट इज अ वेरी स्टेडी क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 85. Who headed the territorial council which was formed on 15 August 1957? तहसील वेलफेयर ऑफिसर 2019 का एग्जाम, उसका ये क्वेश्चन. तो अभी हमने इसके बारे में टेरिटोरियल काउंसिल के बारे में पूरी डिटेल में बात करी. टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो है इसमें 43 थे. इसके जो चेयरमैन थे वो थे, इसका जो बी ऑप्शन है देखिए यहाँ पे, ठाकुर करम सिंह या करम सिंह ठाकुर लिखा हुआ है. ही वॉज फ्रॉम मंडी फ्रॉम चचेट, जो कि अभी हमने डिस्कस करा. तो इसका जो सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन बी विच इज करम सिंह ठाकुर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 86. व्हेन वाज द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशंस क्रिएटेड इन हिमाचल प्रदेश. डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशंस को हिमाचल प्रदेश का जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन है उसको कब क्रिएट किया गया या कब बनाया गया. तो चार ऑप्शन आपके पास गिवन है. ऑप्शन ए इज 1951, ऑप्शन बी इज 1952, ऑप्शन सी इज 1954, ऑप्शन डी इज 1956. तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट विल बी द ईयर 1954. 1954 में हिमाचल प्रदेश पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट, ठीक है, इसको जो है एस्टेब्लिश किया गया था. तो 1954 विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें. हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर. हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त एक्ट को किस साल पास किया गया था. तो चार ऑप्शन यहां पे गिवन है, 1972, 1982, 1983, 1989. ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा, ये क्वेश्चन भी एसीएफ 2019 में फॉरेस्ट सर्विसेज के एग्जाम में पूछा हुआ है. तो सी ऑप्शन जो है 1983, दैट विल बी द राइट आंसर. 1983 में हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त एक्ट वॉज पास्ड. और हिमाचल प्रदेश के पहले लोकायुक्त भी पूछ लिया जाते हैं आपसे, फर्स्ट लोकायुक्त कौन थे हिमाचल के. तो फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज टीवीआर टाटाचारी. सो टीवीआर टाटाचारी वॉज द फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ हिमाचल प्रदेश. तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज What was the main information source about the Ranas and Thakurs of Himachal Pradesh? HP Light Services 2015 का ये question है. जो हिमाचल प्रदेश के रानास थे, ठाकुर्स थे, ठीक है, जो प्रिंसली स्टेट रूलर्स थे बेसिकली, तो उनके बारे में इन्फॉर्मेशन का मेन सोर्स क्या है. तो एक बार देख लेते हैं. चार ऑप्शन यहाँ पे आपके पास गिवन है. ऑप्शन ए इज राज तरंगिनी, ऑप्शन बी इज बैजनाथ टेस्टिमोनियल्स, ऑप्शन सी इज इंस्क्रिप्शंस फाउंड इन चंबा प्रिंसिपैलिटी, एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे देख लें, इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा इसका, ऑल ऑफ द अबव. ये सारे सोर्सेज जो हैं बेसिकली जो किंग्स थे, जो प्रिंसली स्टेट्स में जो रूलर्स होते थे, राणास थे, ठाकुर्स थे, उनके बारे में, किसी ना किसी राजा के बारे में या किसी ना किसी राणा के बारे में, इन सभी क्रॉनिकल्स में जो है हमें इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है. तो ऑप्शन डी दैट इज ऑल ऑफ द अबव शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. Which area of Himachal Pradesh was related to Chakli copper coin which were presented around the 10th century? इनमें से किस रीजन में जो है एक 10th century का कॉइन मिला है जिसका नाम है चकली, एंड इट इज अ कॉपर कॉइन. तो ये दो तीन इंफॉर्मेशन यहीं पे पता चल जाती हैं. चकली कॉइन, ठीक है, इट वॉज इश्यूड इन द 10th century. दूसरी चीज, तीसरी चीज, इट वॉज अ कॉपर कॉइन. ठीक है, मोस्टली कॉपर एंड सिल्वर कॉइन्स जो थे वो प्रेवलेंट थे उस टाइम पे. जो कॉपर कॉइन्स था उनका लोकल यूज किया जाता था ट्रेड एंड कॉमर्स में, और इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए जो है आपका यूज किया जाता था सिल्वर कॉइन्स का. ठीक है, तो यहां पे पूछा गया है कि चकली कॉइन्स जो है किस प्रिंसिपैलिटी को या विच एरिया, किस रीजन में जो है हिमाचल प्रदेश के बिलोंग करता था. तो चार ऑप्शन आपके पास गिवन है. ऑप्शन ए इज बिलासपुर, ऑप्शन बी कांगड़ा, ऑप्शन सी चंबा, ऑप्शन डी कुल्लू. तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी, दैट इज चंबा. चंबा में जो चंबा प्रिंसली स्टेट थी, तो देयर वाज अ किंग इन द 10th सेंचुरी एंड ही वाज साहिल वर्मन. ये आ गया इस क्वेश्चन से संबंधित चौथा फैक्ट. ठीक है, कि जो चकली कॉइन है वो साहिल वर्मन ने इशू किया था, हु वाज अ राजा ऑफ चंबा प्रिंसली स्टेट इन द 10th सेंचुरी, लेटर 10th सेंचुरी. तो इसका जो सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन सी चंबा. और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है बार बार. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंशियंट इंस्क्रिप्शंस इन हिमाचल प्रदेश हैव नॉट बीन इंस्क्राइब्ड इन विच वन एंशियंट स्क्रिप्ट. इनमें से जो स्क्रिप्ट्स यहां पे चार आपको गिवन है उसमें बोला गया है कि जो एंशियंट इंस्क्रिप्शंस हिमाचल प्रदेश के जो जो हिमाचल जो रीजन है उसमें मिली है, तो कौन सी ऐसी जो स्क्रिप्ट है जिसमें जिसकी कोई भी इंस्क्रिप्शन जो है नहीं मिली है, या जो फाउंडेड इंस्क्रिप्शन है उनमें से
इन स्क्रिप्ट्स में से किस स्क्रिप्ट की इंस्क्रिप्शन नहीं मिली है। ठीक है, तो चार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज ब्राह्मी, ऑप्शन बी इज शारदा, ऑप्शन सी इज इंडो ग्रीक एंड ऑप्शन डी इज नागरी। ठीक है, तो यहां पे जो इसके पहले तीन ऑप्शन है ब्राह्मी स्क्रिप्ट की इंस्क्रिप्शन ऑब्वियसली यहां पे मिली है, शारदा स्क्रिप्ट की मिली है, इंडो ग्रीक स्क्रिप्ट जो कॉइन्स है या जो इंस्क्रिप्शन है उन पर देखने को मिलती है। नागरी स्क्रिप्ट जो है इसका वो सही आंसर होगा, बिकॉज यहाँ पे नॉट पूछा था कि किस स्क्रिप्ट की नहीं मिली है, तो नागरी स्क्रिप्ट की इंस्क्रिप्शन जो है यहाँ पे दे हैव नॉट बीन फाउंड। तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, वेयर इज द सोहन वैली विच वॉज नेवर रेनाउड फॉर एक्सकेवेशन ऑफ द ओल्ड टूल्स 40,000 ईयर्स अगो। ठीक है, तो यहाँ सोहन वैली की बात करी गई है, कि ये जो सोहन वैली है ये वैसे हिमाचल से रिलेट नहीं करता है क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन चलिए सोहन वैली एक इंपॉर्टेंट रीजन है। तो सोहन वैली मैं आपको बता दूं, सोहन वैली इट एग्जिस्टेड इन पाकिस्तान और इट एग्जिस्ट इन पाकिस्तान, सोहन वैली जो है वो पाकिस्तान में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट वाज़ द फिगर फाउंड ऑन द कॉइन्स ऑफ अडुम्बरा रूलर्स। ठीक है, तो जो एंशियंट किंगडम्स हम पढ़ते हैं, चार किंगडम्स एंशियंट हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश में, जिसमें अडुम्बराज, तिगर्ताज, कुलूटाज और कुलिंदाज की बात करते हैं, तो उसमें पूछा गया है कि इनमें से जो अडुम्बराज थे, अडुम्बराज के कॉइन्स में किस फिगर का मेंशन जो है वो किया गया था। ठीक है, हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम 2011। तो चार ऑप्शंस आपके पास गिवन है, ऑप्शन ए इज लोटस, ऑप्शन बी इज त्रिशूल, ऑप्शन सी इज पीकॉक एंड ऑप्शन डी इज शंख। ठीक है, ऑप्शन ई फिर से त्रिशूल दे दिया गया है, यहाँ पे शायद इसका कुछ यहाँ मिसप्रिंट है, कुछ लिखने में दिक्कत है यहाँ। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑब्वियसली दैट विल बी त्रिशूल। ठीक है, हम जब अडुम्बराज पढ़ते हैं तो उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो उनका फेथ था, रिलीजियस फेथ था, देवर शैवाइट इन फेथ, शिव की वो पूजा करते थे, तो त्रिशूल इज द त्रिशूल इज बेसिकली कनेक्टेड विद द लॉर्ड शिवा, सो त्रिशूल जो था इट वाज इंस्क्राइब्ड ऑन देयर फिगर्स। तो ये जो है इसका सही आंसर होगा त्रिशूल, ऑप्शन बी। ये यहाँ पे ई ऑप्शन में भी सेम आंसर लिख दिया हुआ है। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हुज फिगर इज फाउंड ऑन द कॉइन्स ऑफ द कुलिंदास। ठीक है, तो कुलिंद जो थे, ठीक है, उनके कॉइन्स पे किस फिगर का मेंशन मिलता है, नायब तहसीलदार प्रलिम्स 2014 का क्वेश्चन। ऑप्शन ए देख लेते हैं, सरस्वती विद वीणा, विष्णु विद लोटस, ऑप्शन सी शिवा विद त्रिशूल एंड ऑप्शन डी इंद्रा विद वज्र। ठीक है, इसका भी जो सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन सी, दैट इज शिवा विद त्रिशूल, दे वर ऑल्सो शैवाइट इन फेथ एंड शिवा विद त्रिशूल इज द फिगर इंस्क्राइब्ड ऑन मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस और द फिगर्स दैट हैव बीन फाउंड लेटर ऑन, जो कि कनेक्ट करती हैं किससे, कुलिंदास से। ठीक है, तो ये जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शिवा एंड त्रिशूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पहले भी हम एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इन विच स्क्रिप्चर इज द एंशियंट रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ पटिहार, पटिहार एंड कनिहारा ऑफ कांगड़ा। ठीक है, कि यहां पर स्क्रिप्चर लिखा है इस चीज को, इट इज नॉट स्क्रिप्चर एक्चुअली, इट इज स्क्रिप्ट। ठीक है, इन विच स्क्रिप्ट इज द इंस्क्रिप्शन ऑफ पठियार एंड कनिहारा दे हैव बीन इंस्क्राइब्ड। ठीक है, किस स्क्रिप्ट में जो है वो लिखी गई है। तो पहली चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पठियार एंड कनिहारा इंस्क्रिप्शन जो है ये कांगड़ा में मिलती हैं। ठीक है ना, कनिहारा एंड पठियार दे आर नियर टू धर्मशाला, तो कांगड़ा में मिलती है, तो इनकी स्क्रिप्ट पूछ ली हुई है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए ब्राह्मी एंड टांकरी, ऑप्शन बी खरोष्टी एंड टांकरी, ऑप्शन सी ब्राह्मी एंड खरोष्टी एंड ऑप्शन डी खरोष्टी एंड पर्शियन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन सी, विच इज ब्राह्मी एंड खरोष्टी। तो ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट में जो है इंस्क्राइब्ड है आपकी दिस पठियार एंड कनिहारा के इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच एंशियंट ट्राइब वर रिलेटेड टू शांबर किंग, किंग शांबर हु फॉट अगेंस्ट द आर्य किंग और द आर्यन किंग देवोदास। इनमें से किस ट्राइब को बिलोंग करता है शांबर, किंग शांबर, जिसने कि जो आर्यन किंग था देवोदास उसके साथ एक लड़ाई करी थी, या ही टुक पार्ट इन अ बैटल। ठीक है, अगेंस्ट हिम, अगेंस्ट आर्यन किंग देवोदास। तो चार ऑप्शन आपके पास गिवन है, ऑप्शन ए किन्नर, ऑप्शन बी खश, ऑप्शन सी किरात एंड ऑप्शन डी दासास। तो जिसका सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, एक हम जब एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं हिमाचल में, तो उसमें देयर इज अ मेंशन ऑफ अ 40 ईयर वॉर। ठीक है, 40 साल तक जो है इनके बीच में कंफ्लिक्ट था, आर्यन किंग और किरातास किंग जो था दिस शांबर। ठीक है, तो आफ्टर 40 ईयर्स अ कांस्टेंट बैटल कंटिन्यूड फॉर 40 ईयर्स एंड अल्टीमेटली जो शांबर था ही वाज बीइंग किल्ड एंड हिज एलाय आल्सो जिसका नाम की वरीची था, बोथ गॉट किल्ड एट उदुबराज इन अ बैटल विद आर्यन किंग देवोदास। ठीक है, तो ये इसके बारे में एक चीज मिलती है,
तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो ही वाज अ किरातास किंग, ठीक है शाम्बर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. इन विच एंशियंट बुक ऑफ इंडिया इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ खशास, ठीक है. इनमें से किस एंशियंट बुक में जो है खशास के बारे में, जो कि एक एंशियंट ट्राइब थी हिमाचल प्रदेश में, उनके बारे में मेंशन मिलता है. तो चार ऑप्शन यहां पे गिवन है. ऑप्शन ए इज भगवत पुराण, ऑप्शन बी वायु पुराण, ऑप्शन सी बृहत संहिता एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. उसका जो सही आंसर होगा, ठीक है, दैट विल बी ऑल ऑफ द अबव. बृहत संहिता, वायु पुराण, भगवत पुराण, सभी में जो है मेंशन मिलता है ऑफ नेटिव ट्राइब जिसको कि खशास कहा जाता है, ठीक है. तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 100. ऑडुम्बर्स, ठीक है, बिलोंग टू कौशिक गोत्र, कनेक्ट्स विद विच सेंट. जो ऑडुम्बर्स हैं, ऑडुम्बरास हैं, ठीक है, तो वो जो है किस सेंट से एसोसिएटेड हैं, ये पूछा गया है. ऑप्शन ए इज वशिष्ठ, ऑप्शन बी भृगु, ऑप्शन सी विश्वामित्र, ऑप्शन डी परसहारा, ठीक है. तो ये चार ऑप्शन आपके पास गिवन है. तो ऑडुम्बरास की मैं बात करूं तो देर वॉज ऋषि विश्वामित्र. जो ऑडुम्बर्स थे दे वर कंसिडर्ड टू बी द डिसेंडेंट्स ऑफ ऋषि विश्वामित्र. तो इसका जो सी ऑप्शन है, देखिए, दैट इज विश्वामित्र, दैट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. जो ऑडुम्बरास थे, ठीक है, ऑडुम्बरास वर कंसिडर्ड एज द डिसेंडेंट्स ऑफ ऋषि विश्वामित्र. सो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, Who was the assistant of Shambhar in the war with the king Devadas of the Aryans? ठीक है, अगेन सेम क्वेश्चन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले यही डिस्कस करा था. एनटीप्री, एचपी एनटीप्री 2014 में ये पूछा गया था. जो 40 ईयर वॉर का मेंशन है उसमें पूछा गया है कि हु वॉज द असिस्टेंट, ठीक है, इसको असिस्टेंट लिखा गया है, कई जगह पे इसको एलाय लिखा गया है. एलाय मीन्स उसका साथी, ठीक है. तो कौन था जिसने शाम्बर की मदद करी थी इन हिज कॉन्फ्लिक्ट 40 ईयर वॉर और द 40 ईयर कॉन्फ्लिक्ट विद द आर्यन राजा देवोदास, ठीक है. तो यहां पे चार ऑप्शंस देखिए एक बार. ऑप्शन ए इज वरिची, ऑप्शन बी सुदास, ऑप्शन सी अर्जुन, ऑप्शन डी प्रद्युम्न. तो इसका जो ए ऑप्शन है दैट इज वरिची. सो वरिची वॉज द एलाय ऑफ शाम्बर, ठीक है. शाम्बर का जो एलाय था ही वॉज वरिची, एंड वरिची एंड शाम्बर बोथ गॉट किल्ड इन दिस बैटल अल्टीमेटली आफ्टर 40 ईयर्स, जो कि आर्यन किंग देवोदास. तो आर्यन किंग देवोदास में इसके साथ एक और फैक्ट कनेक्टेड है. पूछा जाता है कि दिस शाम्बर इज बिलीव्ड टू हैव कंट्रोल ऑफ 99 फोर्ट्स बिटवीन सतलज एंड यमुना, के बीच में 99 फोर्ट्स जो हैं इसके थे. तो व्हेन ही वाज बीइंग अटैक्ड बाय दिस आर्यन किंग देवोदास, सो ही हैज डिस्ट्रॉयड ऑल दिस फोर्ट्स, ठीक है. तो ये चीज भी एक यहां से पूछ ली जाती है. तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो एलाय था इन दिस बैटल विद आर्यन किंग, ही वॉज वरिची. ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो सीडीपीओ 2014 का क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू विच रिलीजियस ग्रुप आर्यन ट्राइब लाइक कोल्स, किरात, यक्ष, नागा, ठीक है, ये सारी जो एंशियंट ट्राइब्स थी, दे हैड सेटल्ड बिफोर द आर्यन इन हिमाचल प्रदेश. आर्यन ट्राइब यहां पर एंशियंट ट्राइब होगा. अकॉर्डिंग टू विच रिलीजियस ग्रुप, ठीक है, या वन ऑफ दी स्क्रिप्चर्स, जो एंशियंट ट्राइब्स लाइक कोल्स थे, किरात थे, यक्ष थे, नाग थे, ठीक है, दे हैव सेटल्ड बिफोर द आर्यन, से पहले वो सेटल हो चुके थे इस रीजन में, हिमाचल प्रदेश जिसको अभी हम कहते हैं. तो इनमें से किस स्क्रिप्चर्स में जो है ये गिवन है. ऑप्शन ए इज महाभारत, ऑप्शन बी ऋग्वेदा, ऑप्शन सी मनुस्मृति एंड ऑप्शन डी योग वशिष्ठ. तो इसका जो सही आंसर होगा दैट विल बी ऋग्वेदा, ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगेन वो सेम रिपीटेड क्वेश्चन है. हु लॉस्ट इन अ वॉर बिटवीन एंशियंट आर्यन किंग देवोदास एंड शाम्बर फॉर 40 इयर्स, ठीक है. तो ये अभी हमने इस पर बड़ी डिटेल में बात करी. तो ही वॉज अ किरातास किंग. नेक्स्ट अगर बात करें, इन विच स्क्रिप्चर इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ वॉर बिटवीन किंग एंड आर्यन किंग, बिटवीन द किंग, यहां पे इनकम्प्लीट लग रहा है. ये वही है शाम्बर वाला क्वेश्चन, आप समझ गए होंगे. अगेन जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, देखिए इसमें क्या है, किंग शाम्बर, ठीक है, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इसमें बेसिकली देर इज
क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, अलग अलग पेपर्स में। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो एचएस मेंस 1998 प्रीलिम्स 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो क्वेश्चंस हैं अगेन रिपीटेटिव तरीके से जो है अलग अलग पेपर्स में पूछे जा रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पे भी ये रिपीट हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हमने अभी इसकी बात करी, तो ये बोला गया है कि किस स्क्रिप्चर में डिस्क्रिप्शन मिलती है अबाउट दिस वॉर। तो इसका जो सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन बी, ऋग्वेद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, हाउ लॉन्ग डिड द वॉर बिटवीन, अगेन वन मोर क्वेश्चन फॉर दिस फ्रॉम दिस वॉर, हाउ लॉन्ग डिड द वॉर बिटवीन देवदास एंड शांबर डिस्क्राइब्ड इन ऋग्वेदास, ठीक है। आप देखिए इस क्वेश्चन में, ये प्रीलिम्स 2006 में पूछा गया था और इसका मेंशन इसमें क्वेश्चन में, जो पिछले क्वेश्चन का जो आंसर था वो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऋग्वेदा में मेंशनड वॉर बिटवीन देवदास एंड शांबर जो है कितने साल तक चली थी, और पिछले क्वेश्चन में पूछा था कि जो 40 ईयर वॉर थी, ठीक है, जो इस क्वेश्चन का आंसर है अभी आपको पता चल गया होगा, ये ऑप्शन सी दैट 40 ईयर वॉर। तो पिछले क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि जो 40 ईयर वॉर है वो किस स्क्रिप्चर में, एंशियंट स्क्रिप्चर में जो है मेंशन है, तो उसका आंसर मैंने बताया कि ऋग्वेदा होगा। इस क्वेश्चन में पूछ लिया कि ऋग्वेदा में मेंशन जो 40 ईयर वॉर है, जो वॉर है वो कितने साल तक चली थी, तो इसका आंसर जो होगा वो 40 ईयर होगा। इसको हम इसी तरह से 40 ईयर वॉर टाइटल करके पढ़ते हैं, तो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, आई सपोज आप लोगों को पता होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज किंग सुशर्मा हु फॉट ऑन बिहाफ ऑफ द कौरवाज इन द वॉर ऑफ महाभारता इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ एन इंपॉर्टेंट डायनेस्टी ऑफ हिमाचल प्रदेश बाय विच नेम द डायनेस्टी इज नोन, हिमाचल प्रदेश एंटी प्री नैब तहसीलदार प्री 2011 का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बेसिकली पूछा गया है एक राजा का नाम मेंशन है सुशर्मा चंद, ठीक है ना, चंद नहीं लिखा है, किंग सुशर्मा। तो पूछा गया है कि ही इज बिलीव्ड टू हैव टुक पार्ट इन द बैटल ऑफ महाभारता फ्रॉम द कौरवा साइड, उसी को जो है फाउंडर माना जाता है एक डायनेस्टी का हिमाचल प्रदेश में। तो वो डायनेस्टी आपसे पूछी गई है कि कौन सी थी जिसको सुशर्मा ने फाउंड किया था, दिस वॉज द क्वेश्चन। तो चार ऑप्शन इसके देख लेते हैं, सो ऑप्शन ए इज कटोच, ऑप्शन बी इज भंकोटिवा, ये मैंने कभी सुना नहीं पहले, भंकोटिवा, ऑप्शन सी पठानिया एंड ऑप्शन डी कथवाल, ठीक है। तो इसका जो ए ऑप्शन है दैट इज कटोच, तो कटोच डायनेस्टी थी आपकी कहां पे, कांगड़ा में। तो कटोच डायनेस्टी ऑफ कांगड़ा इज सपोज्ड टू बी या बिलीव्ड टू बी या इज बीइंग फाउंडेड बाय राजा सुशर्मा चंद या किंग सुशर्मा चंद, ठीक है, उसको जो है कांगड़ा में, कांगड़ा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो सुशर्मा चंद को माना जाता है। और सुशर्मा चंद के बारे में देयर इज अ फेमस थिंग दैट ही इज बिलीव्ड टू हैव टेक पार्ट इन द बैटल ऑफ महाभारता, बेसिकली महाभारता में देयर इज अ मेंशन ऑफ अ राजा कॉल्ड सुशर्मा चंद जो कि कौरवों की तरफ से महाभारता में लड़ा था, ठीक है। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, कटोच डायनेस्टी का ये रूलर था और कटोच डायनेस्टी कहां की, कांगड़ा की, ठीक है। तो इसमें डायनेस्टी पूछी हुई है, अदरवाइज आपको ऐसे भी पूछ लेते हैं प्रिंसली स्टेट का नाम, तो इट वॉज कटोच डायनेस्टी ऑफ कांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु वॉज द चीफ एडवाइजर ऑफ आर्यन किंग देवोदास, ठीक है, जो आर्यन किंग था देवोदास उसका चीफ एडवाइजर कौन था, फर्स्ट रेंज ऑफिसर 2006 आरएफओ का जो एग्जाम होता है, तो उसमें ये पूछा गया था। तो चार ऑप्शन यहां पे गिवन है, अगेन ना क्वेश्चन फ्रॉम दैट 40 ईयर वॉर। तो ऑप्शन ए इज 40 ईयर वॉर के हमने लगभग सारे फैक्ट कवर कर लिए, जितने हमने 7-8 क्वेश्चन 40 ईयर वॉर पे ही करे, तो 40 ईयर वॉर इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो ऑप्शन ए इज ऋषि भारद्वाज, ऑप्शन बी पाणिनि, ऑप्शन सी कपिल मुनि एंड ऑप्शन डी मैक्सिनिस, ठीक है। तो मैक्सिनिस तो ऑब्वियसली नहीं है, कपिल मुनि भी इसका आंसर नहीं है, पाणिनि भी नहीं है, ऋषि भारद्वाज जो थे ही इज कंसिडर्ड एज द एडवाइजर ऑफ आर्यन, ठीक है, जो आर्यन किंग देवोदास था उनके एडवाइजर ऋषि भारद्वाज को लिखा गया है बुक्स में। तो ऑप्शन ए जो है इसका वो सही आंसर होगा, ऋषि भारद्वाज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दिस इज अगेन सेम क्वेश्चन, ठीक है, इट हैज रिपीटेड अगेन, जो कटोच डायनेस्टी वाले क्वेश्चन की मैंने बात करी। और यहां पे अगर बात करें तो इसमें वो क्वेश्चन थोड़े अलग तरीके से पूछ लिया गया है, अब ठीक है ना, विच कटोच डायनेस्टी किंग ऑफ कांगड़ा, अब इसमें डायनेस्टी लिखी हुई है देखिए, ठीक है ना, मैं तभी आपको बार बार वीडियो में भी बताता हूं कि देर इज अ लिमिटेड सोर्स फॉर क्वेश्चन टू बी आस्क फ्रॉम हिमाचल जी के, उन्हीं क्वेश्चन को उल्टा सीधा करके जो पहले ऑप्शन है उनको अगली बार क्वेश्चन बना दिया, जो क्वेश्चन है उसको फिर ऑप्शन में डाल दिया, जो पिछली बार आंसर था, पिछली बार क्वेश्चन था उसको ऑप्शन में डाल दिया। तो इसी तरह से कमीशन जो है रिपीटेटिवली क्वेश्चन पूछता है। तो इस क्वेश्चन में देखिए, पिछले क्वेश्चन में पूछा था कि जो राजा था सुशर्मा चंद ही बिलोंग टू विच डायनेस्टी, इसमें डायनेस्टी इज मेंशन, विच कटोच डायनेस्टी किंग, अब लिखा हुआ है कि विच कटोच डायनेस्टी किंग ऑफ कांगड़ा टुक पार्ट इन द
वॉर ऑन द बिहाफ ऑफ कौरवाज इन द बैटल ऑफ महाभारत. तो अगेन सिंपल वही क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी, सुशर्मा चंद, अभी हमने ये जस्ट डिस्कस करा. तो ऑप्शंस के अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन बन जाता है, और क्वेश्चंस में जो चीजें दी होती है वो किसी क्वेश्चन में ऑप्शन आंसर बन जाता है. ठीक है, तो दिस वॉज द स्टोरी. तो ये अगेन 40th वॉर का क्वेश्चन, ये हमने फिर से डिस्कस कर लिया. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट वॉज द सेकेंड ओल्डेस्ट हिल स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश. ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश का जो अभी रीजन है, तो उसमें से जो सब सेकंड ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट की बात करी गई है, इनमें से कौन सी थी, लेक्चर कॉमर्स 2005. तो देखिए, ऑप्शन ए इज त्रिगर्ता, ऑप्शन बी इज भरमौर, ऑप्शन सी इज कुटलहर, एंड ऑप्शन डी इज कुल्लू. ठीक है, तो एक बार मैं सारे ऑप्शन डिस्कस कर देता हूं. त्रिगर्ता बोले जाए तो त्रिगर्ता कहा जाता था कांगड़ा प्रिंसली स्टेट को. तो कांगड़ा प्रिंसली स्टेट जो है, इट इज द ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट इन हिमाचल, ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट इन हिमाचल इज कांगड़ा प्रिंसली स्टेट. ठीक है, अगर बात करें हम भरमौर की, तो भरमौर प्रिंसली स्टेट, भरमौर बेसिकली यूज टू बी द कैपिटल ऑफ चंबा प्रिंसली स्टेट, द एंशियंट कैपिटल, और जो पहली कैपिटल आप उसको बोल ले, ब्रह्मपुर जिसको कहा जाता था पहले, तो इट इज बेसिकली चंबा प्रिंसली स्टेट. कुटलहर इट इज इन ऊना करंटली, एंड ऑप्शन डी कुटलहर इज एन ऑफशूट ऑफ कांगड़ा प्रिंसली स्टेट, इट इज याद रखना. और ऑप्शन डी जो था दैट इज कुल्लूटाज. तो कुल्लूटाज कहा जाता था जो मॉडर्न डे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है उस रीजन को. ठीक है, जो अपर ब्यास वैली करके इसको डिफाइन करते हैं, अपर ब्यास वैली वाला जो रीजन है दैट यूज टू बी कुल्लूटाज प्रिंसली स्टेट. तो कुल्लूटाज इज कंसिडर्ड एज, कुल्लूत इज कंसिडर्ड एज द सेकेंड ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट ओनली आफ्टर त्रिगर्ता इन हिमाचल प्रदेश. तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. वेयर डिड द कुलिंस परमानेंटली रिजाइड, इनमें से किस रीजन में कुलिंस जो है दे हैव परमानेंटली रिजाइडेड. तो देखिए, चार ऑप्शन आपके पास गिवन है. ऑप्शन ए इज कांगड़ा, ऑप्शन बी इज कुल्लू, ऑप्शन सी इज किन्नौर, एंड ऑप्शन डी इज शिमला एंड सिरमौर. ठीक है, तो कुलिंदास जो थे, जो चार एंशियंट किंगडम्स, जो जनपद हम पढ़ते हैं एंशियंट हिस्ट्री में, उसमें से वन ऑफ देम वाज कुलिंदास, अदर वंस कुल्लू, त्रिगर्ताज एंड द ऑडुम्बस. तो कुलिंस की अगर मैं बात करूं, तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि सतलज और यमुना के बीच का जो रीजन था, सतलज एंड यमुना के बीच का जो रीजन था, दैट वाज द मेन इनहैबिटेड रीजन, रीजन मेन रीजन इनहैबिटेड बाय द कुलिंदास. ठीक है, तो सतलज एंड यमुना के बीच, यहां पे अगर एक रफ मैप बना के हिमाचल का देख ले, तो ये यहां पे साउथ में सिरमौर आता है, इसके साथ यहां पे शिमला आता है. यमुना आपके सिरमौर से फ्लो करती है, सतलज आपके शिमला से यहां से फ्लो करते हुए बिलासपुर से एग्जिट कर जाती है. तो इसके बीच वाला जो रीजन है दैट इज बेसिकली दिस रीजन. तो इस रीजन में देखें, इसमें कांगड़ा नहीं आता, इसमें कुल्लू नहीं आता, किन्नौर नहीं आता. द ओनली ऑप्शन, द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज शिमला एंड सिरमौर. तो शिमला एंड सिरमौर इज द रीजन जिसमें कि कुलिंदास जो है दे हैव परमानेंटली रिजाइडेड. ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अकॉर्डिंग टू द फेमस लिंग्विस्ट ग्रियर्सन, ठीक है, ग्रियर्सन जो कि एक लिंग्विस्ट थे, हु वर द फर्स्ट फेमिलियर इंडो आर्यन ऑफ द हिमालयन टेरिटरी, इनमें से कौन जो है हिमालयन टेरिटरी के जो जो फर्स्ट इंडो आर्यन थे वो थे. ठीक है, सबसे पहले कौन माइग्रेट हुए थे बेसिकली वो पूछा गया है. तो ऑप्शन ए इज खशाज, ऑप्शन बी इज नागा, ऑप्शन सी इज दासाज, एंड ऑप्शन डी इज किरातास. तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन ए खशाज. ठीक है, खशाज वॉज द वर द फॉर्मर और द फर्स्ट फेमिलियर इंडो आर्यन ऑफ द हिमालयन टेरिटरी, जिसको हिमाचल भी हम अभी कहते हैं. तो ए ऑप्शन जो है इसका वो सही आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेंचुरी बुद्धिस्ट स्कॉलर चंद्र गोमिन रोट अबाउट द ऑडुम्बर्स. ठीक है, तो चंद्र गोमिन जो है एक फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, जिन्होंने कि ऑडुम्बरास के बारे में मेंशन किया था. ठीक है, तो इसमें बेसिकली 2018 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैटर ज्योग्राफी में, उसमें ये पूछा गया था. तो इसमें पूछा गया कि ही बिलोंग्ड टू विच सेंचुरी, किस सेंचुरी को जो है वो बिलोंग करते थे. तो ऑप्शन ए इज सेकंड सेंचुरी, ऑप्शन बी इज थर्ड सेंचुरी, ऑप्शन सी इज फिफ्थ सेंचुरी, ऑप्शन डी इज सेवंथ सेंचुरी. तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, चंद्र गोमिन वॉज अ फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर हु बिलोंग्ड टू द फिफ्थ सेंचुरी और एग्जिस्टेड इन द फिफ्थ सेंचुरी और लिव्ड इन द फिफ्थ सेंचुरी. ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर अलेक्जेंडर्स डिसीजन टू नॉट मूव बियॉन्ड द ब्यास रिवर इन द मिडल ऑफ हिज इंडिया विक्ट्री. तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउएवर इट डज नॉट रिलेट विद द हिमाचल, बट एज मैं बता देता हूं, अलेक्जेंडर ने जो है 326 BC हैज अटैक्ड इंडिया. सो
while he has basically made the territory up to Bias, made the territory surrender up to Bias, ठीक है, Bias तक वो पहुंच गया और वहां तक जो भी टेरिटरी थी उसको उसने जीत लिया भारत में. ब्यास रिवर को जो है वो क्रॉस नहीं कर पाया, उसका यहां पे रीजन पूछ लिया गया है कि व्हाई डिड अलेक्जेंडर हैज नॉट बीन एबल टू क्रॉस द ब्यास रिवर. तो इसका जो एक सही से बात बता दूं मैं, तो इसका जो ए ऑप्शन है, देखिए फ्लड्स इन ब्यास एंड अदर रिवर्स, ठीक है, तो वो जो था एक मेजर रीजन जो है, रीजन जो है कंसिडर किया जाता है. अब देर इज अ वेरी बिग डिबेट कि क्यों कुछ कहते हैं कि ये रीजन था ये नहीं था, देर वर सेवरल अदर रीजन जिसकी वजह से कि वो ब्यास को क्रॉस नहीं कर पाया था, लेकिन इन चार ऑप्शन के हिसाब से ए ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. फ्लड्स इन ब्यास एंड अदर रिवर्स was the main reason why Alexander was not able to cross over the Bias. ठीक है, next question यहाँ पे, which year did Alexander drive to the banks of river Bias? ठीक है, Alexander river Bias river के bank तक कब पहुंचा? Basically वही की Vandy attacked India. ठीक है, तो he has invaded in 326 BC. He has died in 323 BC. So this is very important. Died in Babylon. 326 BC he has attacked India and he has reached up to the bank of Bias in 326 BC. तो option A जो होगा इसका वो सही answer होगा. ठीक है. Next question. There was a Muslim ruler who transferred a stupa built by Ashoka in Ponta Valley in Himachal Pradesh to Delhi. अच्छा, वेयर वॉज अ मुस्लिम रूलर, ठीक है, तो कहां जो है एक मुस्लिम रूलर ने जो है जो स्तूपा था जो कि अशोका स्तूपा जिसको पोंटा वैली, पोंटा साहिब जो रीजन है, ठीक है, कैरादून वैली हम जिसको बोलते हैं, उस वैली में एस्टेब्लिश किया था. दैट स्तूपा वॉज ट्रांसफर्ड बाय अ मुस्लिम रूलर टू दिल्ली. तो पूछा गया कि दिल्ली में कहां, तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है HS प्रीलिम 2006. तो देखिए चार ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन ए इज चांदनी चौक, ऑप्शन बी इज पहाड़गंज, ऑप्शन सी इज फिरोज शाह कोटला, ऑप्शन डी इज शाहदरा, ठीक है ना, शाहदरा इज द रीजन इन दिल्ली. तो इसका जो सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन ए चांदनी चौक, दैट स्तूपा वाज ट्रांसफर्ड टू द चांदनी चौक. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे दैट इज इन विच ईयर डिड हेनसांग विजिटेड इंडिया. हेनसांग जो है एक चाइनीज ट्रेवलर था, वो पूछा गया है कि वो भारत कब आया, भारत अब ये इसको यहां हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बेसिकली जो हेनसांग था ही हैज ऑल्सो ट्रेवल्ड इन द हिमालयस, हिमालयन रीजन जिसको हिमाचल प्रदेश अभी हम बोलते हैं, तो उसमें ही हैज ऑल्सो ट्रेवल्ड. तो चार ऑप्शन यहाँ पे आपके पास गिवन है, तो दो ऑप्शन 629 सेम ही है, तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन आपने करा भी होगा. इन द 7th सेंचुरी एडी जब हर्षवर्धना पीरियड हम पढ़ते हैं, तो ड्यूरिंग दैट टाइम 629 एडी में जो है जो हेनसांग था ही हैज पेड अ विजिट टू इंडिया. ठीक है, इन ड्यूरिंग हिज विजिट ही हैज ऑल्सो विजिटेड द हिमालयन रीजन और द हिमालयन स्टेट्स. तो ये थे आज के क्वेश्चन, दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. इसके बाद के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.